जब अधिकारी बोलेंगे कि हमारी कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा नहीं है तो हम लोग किसके पास जाने का यार? अरे ये क्या कारोबार चल रहा है महापालिका का? जब अधिकारी ये जवाब देंगे कॉन्ट्रैक्टर हमारी सुन रहा नहीं है तो हम किसके पास जाने का? सीएम के पास? सर हम आगे जाने सीएम के पास चलेगा सर कि कॉन्ट्रैक्टर सुन रहा नहीं, अधिकारी का जवाब है, हम लोग किसके पास जाने का? सीएम को बोलने का, सीएम साहब का घेराव करने का? अधिकारी हमको ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हमारी सुन रहा नहीं है, तो फिर ये करोड़ों रुपए की योजना क्यों है भाई? जब थाने के नागरिक परेशान है तो पानी के नहीं एक्शन हो रहा है, 7 बच्चे एडमिट है, ये है स्मार्ट सिटी। 3 बार एडिशनल कमिश्नर ने बोले दौरा लगाता हूँ, दौरा लगाता हूँ, दौरा लगाता हूँ। जब अधिकारी के कॉन्ट्रैक्टर कब्जे में नहीं है, दोनों आपस में साठ काटते हैं, तो महापालिका बंद कर दो। मूल सुविधाएं पानी और कचरा सफाई, इन भागों पर हमने का ध्यान नहीं है। नगर पालिका के अंदर स्मार्ट सिटी के दावे महापालिका करने वाली ये दावे खोखले हैं। पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर, पूरे थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त पे पानी की समस्या है। खास तौर से कलवा मुमरा दीवा में बहुत ज्यादा समस्या है, जिसके बाद पत्र व्यवहार करके मैंने संदीप मालवीय जी के वहां 2 बार मीटिंग हुई, अर्जुन अहिरे सर वाटर डिपार्टमेंट के हेड के यहाँ मीटिंग हुई, जिनको रीमॉडलिंग का काम दिया गया उनके काम अधूरे के कारण पानी मुमरा कौसा के भाग्य में कई तौर से घास वाला अलमास कॉलोनी पिनकल देव शारमेन ये सही भागों में पानी की प्रेशर कमी, कई कई दिन पानी नहीं, MIDC की लाइन टूटी जाती है और जब पानी आ रहा है तो ये पानी है। 7 बच्चे एडमिट है जिनको पानी पीने के कारण बीमार है और इसको लोग यूज के लिए भी वापरे, जैसे बर्तन धोने में को स्किन के लिए, उनको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन कमिश्नर साहब की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था संदीप मालवीय जी इसको फॉलो करेंगे, संदीप मालवीय जी मुझे 3 बार दौरे का आश्वासन दिए लेकिन नहीं आए, और वाटर डिपार्टमेंट का अधिकारियों का सालुम के साहब और ऊपर के डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनका साफ कहना है कॉन्ट्रैक्टर हमारी सुनते नहीं। तो जब आपकी सुन रहे नहीं है तो मेरा ऐसा बोलना है कि फिर महापालिका को बंद कर देना चाहिए। और हमारे पास सबसे बड़ी दुविधा यह है नगर सेवकों की कि हाउस शुरू नहीं है, महासभा ऑनलाइन होने के कारण नगर सेवक अपने प्रथम प्रश्न थाने कर की मूल सुविधा के प्रश्न शिकायत उनकी दुविधा हम नहीं बोल पा रहे। दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यह लगता है एज अपोजिशन लीडर कि हम उन बच्चों से भी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि 8वीं के बच्चों के स्कूल शुरू कर दी गई है और हमारी महासभा 2 वैक्सीन लेने के बावजूद, कोविड सर्टिफिकेट के वैक्सीन सर्टिफिकेट के होने के बावजूद हम ऑनलाइन महासभा ले रहे, तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? आयुक्त साहब से मेरी विनती है, महापौर साहब जब इसमें पॉजिटिव है वो खुद चाहते कि हाउस के अंदर महासभा ली जाए, तो आयुक्त साहब तुरंत आला अधिकारी को और महाराष्ट्र शासन से तुरंत निर्णय करके महासभा, ये महासभा या अगली महासभा हाउस में ले, ताकि हम लोग नागरिकों की जो समस्या है थाना की सभी समस्या पे चर्चा कर सके। मैं तुमसे बरोबर है सर, लेकिन थोड़ा तो देख कॉन्ट्रेक्टर तुमसे पण सुना नाही कोणाला सुना, आणि ते टाकीची समस्या आणि प्रेशरची कमी जात, तुम्ही आम्हाला एक वेळ एक वीक मदत करणार त्या पिता, तो मला काय करत आहे आता लेट हॉस्पिटल मध्ये प्रेशरची कमी, तुम्हाला बोललो 90% टाकी तयार, 1-2 कोटी त्यांना द्या ते टाकी सुरू होणार, 26 कोटी महापालिका का वेस्ट आहे ते।